दोस्तों आप देख रहे हैं कांवरिया पथ में अभी हम लोग हैं और यहाँ पे बहुत सारा बम जा रहे। बोल बम, कहाँ से हैं बम जी आप लोग? पटना जिला। तो बम जी कैसा रहा आप लोग का यात्रा? सुविधा वगैरह मिल रहा है? हाँ, चलिए देख सकते हैं और किस प्रकार इन लोग का अभी यात्रा हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहे हैं। और काफ़ी सारे बम जो है अभी बहुत सारा दुकानों में जो है अभी रेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारा शिविर भी लगा हुआ है ना, उसमें जो है कांवरिया जो है अभी विश्राम कर रहे हैं। इसी कारण दोपहर में आपका थोड़ा कांवरिया पथ खाली खाली दिख रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कांवरिया पथ में आज जो है किस प्रकार यात्रा हो रहा है कांवरियों का। और भीड़ तो भाई साहब गजब का है, देख सकते हैं। कभी कभी तो पूरा झुंड बनाते हुए कांवरिया आ रहे हैं और कभी कभी जो है पूरा सन्नाटा पड़ जाता है इस पथ पे। कारण कुछ ऐसा है कि जितने भी एक साथ में इन लोग का पूरा ग्रुप आता है वो पूरे एक साथ में जब चलने के बाद पूरा सन्नाटा फिर हो जाता है कांवरिया पथ। ऐसा अभी का सिस्टम सिचुएशन है, देख सकते हैं सिस्टम हैंग। देख सकते हैं इधर बहुत सारा छोटे बम है। बोल बम, बोल बम। हाँ बाबू वीडियो बना रहे हैं। देख सकते हैं और रास्ते में जो है कुछ इस प्रकार आज का अपडेट है कांवरिया पथ में। हाँ तो दोस्तों अभी कांवरिया पथ में चलते चलते यहाँ पे एक शिविर जो है आज उद्घाटन हुआ है, देख सकते हैं आलोक मोहन स्मृति जो कि सेवा आश्रम लातेहार से है। और काफ़ी यहाँ पे जो है कांवरे को जो है निशुल्क सेवा वगैरह यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं निशुल्क कांवरिया सेवा रथ है और यहाँ पे जो है आप रुक सकते हैं। ये कांवरिया पथ के जस्ट बगल में है और ये सरासनी खिजुरिया के पास है, आप देख सकते हैं। और चलिए आज मैं जो है यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार जो है यहाँ पे जो है ना कांवरे को जो है सेवा वगैरह मिल रहा है वो जानने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं इधर जो है पूरा खाना वाना लगा हुआ है और बिल्कुल मैं आपको दिखाते हैं अभी, देख सकते हैं। भैया कब ये प्रारंभ हुआ है? आचार है ये प्रारंभ कब हुआ? कल से हुआ अभी। कल से हुआ जी, देख सकते हैं कल इसका लगता है, हर एक साल लगता है लेकिन ये 2 महीना का होगा ना, इस चलते थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, बाबा की कृपा कम है लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे जो है कल से कांवरे को जो है सेवा वगैरह देने के लिए ले लेंगे। और इधर अभी जो है यहाँ पे खाना वगैरह चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है कांवरियों की सेवा में लगे हुए हैं। और देख सकते हैं और यहाँ पे जो है बाबा से जानने को प्रयास करेंगे। बाबा बोल बम। बाबा ये हर एक साल जो है शिविर लगाते हैं आप लोग, तो सेवा करके आपको कैसा लगता है आप लोग? परमानंद। तो बाबा ये बताइए कितने साल से आप लोग जो है यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? ये मेरा 10वां साल है और इसी स्थान पे। हाँ। इस बार जो है सावन 2 चरण में हो गया तो इसी कारण आप लोग अंतिम चरण में लगाए क्या? अंतिम चरण में लगाए, पहले वाले में गर्मी ज्यादा थी, भीड़ होने की संभावना कम थी, लगाना तो एक ही महीना के बाबा दिए हैं परमिशन। तो कहाँ से हैं बाबा आप? हम झारखंड में लातेहार जिला से हैं। लातेहार से? हाँ। इसका उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन हो गया बाबा के दरबार में, उद्घाटन की क्या जरूरत? कल ही इसका प्रारंभ? हाँ हाँ, कल से प्रारंभ। अभी जो है ये सेवा कब तक मिलेगा? ये सेवा मिलेगा 30 तक, 30 अगस्त तक। हाँ तो और क्या कहना चाहेंगे, जितने भी कांवरिया आएंगे उनको क्या क्या सेवा भी दिया जाएगा? सुबह से गर्म पानी, ठंडा पानी, ग्लूकोज पानी, नींबू शरबत गर्म पानी, बोतल से सेकाई जो बोतल होता है, पोटली से सेकाई, भाप से सेकाई, तेल मालिश, वहाँ 10-15 लोग रहते हैं हम लोग। यहाँ पे बाबा जो है सेवा कितने समय दिया जाता है, सुबह शाम दोपहर तीनों समय? हम लोग सुबह 5 बजे से जो शुरू करते हैं सेवा, सो रात्रि को 11 बजे तक। और अनवरत सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी होगा दोपहर में 11 बजे से लेके 2 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक। तो ये जो है शिविर आप लोग हर एक साल लगाते हैं, इस बार कितना हो गया? 10वां साल 10वां साल है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक बाबू, आदमी अपने से कुछ नहीं करता बाबू, सब बाबा कराते हैं, उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, तो हम उनके माध्यम से उनकी प्रेरणा से लगता है। कभी नहीं कहना चाहिए कि हम ये काम करते हैं, कराने वाले प्रभु बैठे हैं, वो जो कराएंगे मैं वो करूँगा बस। हर हर महादेव। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ठंडा पानी, ग्लूकोज पानी, नींबू पानी और ये सब चाय शरबत वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो है आपकी सेवा में अवेलेबल है। यहाँ पे लगातार जो है कार्य वगैरह कर रहे हैं, अपनी कामों को जो है यहाँ पे किस प्रकार जो है सभी भैया लोग कर रहे हैं। आइए इन लोग से जो है और सारे यहाँ का जो है दृश्य में आपको दिखाते हैं। और देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो है भोजन वगैरह जो है खिलाया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारा कांवरिया इधर विश्राम कर रहे हैं, इन लोग से भी जो है जानते हैं कि यहाँ पे रुक करके इन लोग को जो है कैसा लग रहा है। बम जी बोल बम,
कहाँ से है? छपरा जिला से। बम जी, ये सेवा शिविर में रुक करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कितने साल से आप लोग कांवर यात्रा? हमारा सर 12 साल हो गया। 12 साल हो गया, हाँ जी। तो इस बार का यात्रा में क्या क्या सुविधा अच्छा मिला? बहुत सुविधा अच्छा मिला। बिहार और झारखंड में सबसे अच्छा कहाँ आपको मिला? बहुत यहाँ पर है, झारखंड में। हाँ बाबा, ये बताइए। और एक बिहार में भी एक सिविल में सर है, उसमें बहुत अच्छा सुविधा। तो यहाँ तक बम जी आने में कितना दिन लग गया हमको? जी हम उठाए थे जल इतवार को शाम को 4 बजे। साउंड यार। तो बाबा ये बताइए, इस बार जो है यहाँ पे रुक करके आपको सेवा हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। बोल बम, कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग 4 आदमी। बोल बम, माता बम जी बोल बम। बोल बम, क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। और आप लोग पूरे साथ में आए हैं? हाँ, हमारे फैमिली हलो, हमारे बाल बच्चा हलो। चलिए बोलबम। बोलबम, आप देख सकते हैं ये अभी यहाँ पे शिविर में अभी हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कांवरिया जो है रुके हुए हैं, और यहाँ पे रुकने के बाद जो है इन लोगों को सेवा में जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे सब कुछ सेवा वगैरह मिल रहा है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है भोजन वगैरह इधर आपका हो रहा था, और इसी के जस्ट बगल में इधर जो है मेडिकल का भी सुविधा यहाँ पे दिया गया है। आइए मैं आपको दिखाते हैं, और इस वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, और लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कांवरे को जो है मेडिकल का सुविधा यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये सारा चीज़ जो है निःशुल्क यहाँ पे हो रहा है। देख सकते हैं नीचे में जो है कांवरे को पैर में जो छाले वगैरह पड़ जाते हैं, यहाँ पे मालिश हो रहा है, लगातार किया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे जानते हैं भैया से। भैया सबसे पहले बोल बम, ये सेवा आप लोग को जो है किस प्रकार कांवरे को देते हैं, क्या क्या उनको जो है प्रॉब्लम सब कुछ शरीर में होता है, सब कुछ सेवा वगैरह मिलेगा जी? ये 24 घंटा यहाँ पे रहता है? 24 घंटा यहाँ पर सेवा हाजिर है। जो कांवरिया लोग के मैंने कीजिए क्या बोलते हैं, जो भी शरीर में दिक्कत है सब चीज़ का यहाँ पर है। हर एक चीज़ दवा हो गया, मलम हो गया, पट्टी हो गया, मैंने जो चीज़ शरीर का मैंने कि जो दिक्कत है वो सारे चीज़ यहाँ पर पूर्ति किया जाता है। प्लस मालिश वगैरह सब होता है ना? सारा चीज़ होती है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो है कांवरियों को जो है जो भी तकलीफ होता है आप यहाँ पर रुक सकते हैं ये सेवा शिविर में। क्या नाम हुआ इसका? मोहन है ना? मोहन है जी। ये मैं आप लोग को दिखा देंगे बाहर से, और ये कल ही इसका उद्घाटन हुआ ना? जी कल है हुआ। देख सकते हैं कल से कार्य शुरू हुआ है, आज शाम में उद्घाटन होगा, लेकिन सारा कार्य कल ही से स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं जो है आज से यहाँ पे जो है आपको खाने पीने का जो है सब कुछ व्यवस्था दिया गया है। तो दोस्तों आप देख ले यहाँ पे आलोक मोहन स्मृति सेवा आश्रम लातेहार से है, और ये झारखंड के है, जो कि हर एक साल यहाँ पे आपको जो है सेवा वगैरह कुछ इस प्रकार दिया जाता है यहाँ पे कांवरियों को। और इस बार जो है अंतिम चरण में ये पूरा जो है यहाँ पे ये शिविर लगा हुआ है, ठीक है? तो देख सकते हैं इधर जो है काफ़ी सारा यहाँ पे विश्राम करने के लिए जो है कांवरियों को यहाँ पे बेड वगैरह दिया गया है, आप यहाँ पर आराम से रात में विश्राम कर सकते हैं। और इधर आप देख लीजिए लगातार यहाँ पे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है लुत्फ़ उठाने के लिए आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है सब कुछ सेवा वगैरह, ठीक है?